उत्तर प्रदेश का एक इलाका जिसे बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड का नाम जुबान पर आते ही जुबान सूख जाती है, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को भी अन्य हिस्सों की तरह विकसित करने के लिए शपथ ली। इसके बाद आज जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल जीवन मिशन के बारे में जमकर चर्चा की। मौका था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुभारंभ का। जालौन में एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को बताया। साथ ही कहा कि जल जीवन मिशन ने वास्तव में तस्वीर बदल दी है और वो तस्वीर एक ऐसा बुंदेलखंड नज़र आएगा जहां पर सूखे का कहीं से नामो निशान भी नहीं होगा। बुंदेलखंड के 75 जिलों में अमृत सरोवर बनाने की योजना भी बनाई गई है। बताया गया अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, यानी कि अब वो बुंदेलखंड पुराना वाला नहीं रहेगा, बल्कि एक नई नज़ीर के तौर पर देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाएगा। भाई और बहनों, बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए हम जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, हमारी बहनों को हुआ है। उनके जीवन में मुश्किलें कम हुई है। हम बुंदेलखंड में नदियों के पानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है। शिवम अवस्थी, जीशान कदीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार इंडिया लाइव।